कहीं भी कानून व्यवस्था प्रभावित होती थी, कहीं डकैती, चोरी, छिनैती, हत्या, राहजनी, अन्य आपराधिक कृत्य होते थे, लोग 100 नंबर मिलाते थे। अब 100 नंबर बदल गया है। चलिए हम बात करते हैं आज गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, जो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। तो 100 नंबर बदल के क्या हो गया इस समय? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 100 नंबर पूरे भारत में एक इमरजेंसी नंबर था। 100 नंबर मिलाने का मतलब कि वो कॉल उस जनपद के सिटी कंट्रोल रूम में जाती थी और पुलिस तत्काल सहायता उपलब्ध कराती थी। उत्तर प्रदेश में एक पहल की गई 2 वर्ष पहले, जब डायल 100 बनाया गया, पूरे भारत का पहला सिस्टम था जो पूरी तरह से ऑटोमाइज था। पूरे प्रदेश में किसी भी स्थान से 100 नंबर मिलाने पर वो कॉल लखनऊ के डायल 100 कंट्रोल रूम में लैंड करती थी और संबंधित जनपद की PRV को सूचना उच्च तकनीक के माध्यम से देते हुए उन्हें मौके पर भेजा जाता था। इससे गुणात्मक परिवर्तन आया। जो शिकायतें होती थीं कि पुलिस मौके पर विलंब से पहुंची, उसमें बहुत सुधार आया और पूरे प्रदेश में रूरल और अर्बन इलाके को मिलाकर 11 से 12 मिनट में गाड़ी पहुंचती है। शहर के मामले में तो 4 से 5 मिनट में PRVs पहुंचती हैं मौके पर। लेकिन अभी भी इस सिस्टम से फायर और एम्बुलेंस और SDRF ये सेवाएँ इससे अलग थीं, इनके लिए अलग अलग इमरजेंसी नंबर बनाए गए थे। पूरे विश्व में एक मानक है जहां पर इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सिस्टम का कॉन्सेप्ट है जी। इसलिए बहुत विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश में 112 सेवा आज से आरंभ हो रही है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्विस उपलब्ध होगी, जहां पर आपको पुलिस, फायर, एम्बुलेंस या किसी आकस्मिकता की स्थिति में एक ही नंबर मिलाना होगा। इससे हमारी सेवाओं की गुणवत्ता में जरूर और अधिक सुधार होगा। जैसे हम 100 नंबर के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे थे, 112 नंबर से हम और बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। तो 100 नंबर अभी काम करेगा कुछ दिनों के लिए? जी, अभी 100 नंबर कॉल नंबर अभी लगभग 2 महीने काम करेगा, जिससे लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आए और हम भी प्रचार प्रसार करेंगे विभागीय, और हम आपसे भी ये मदद चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आपके माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी हो कि अब इमरजेंसी नंबर 112 हो गया है, जिससे समेकित इमरजेंसी सेवा उन्हें उपलब्ध हो पाएगी। धन्यवाद। 100 नंबर के जगह अब आदत डालनी है 112 नंबर की, अग्निशमन से लेकर के और तमाम मामलों में यह नंबर प्रभावी होगा। डॉक्टर साहब, आप PhD भी हैं और बहुत कम भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसे लोग हैं। सकारात्मक ऊर्जा भी आप हमेशा लगाए रहते हैं। दीपावली में बड़ी घटनाएं होती हैं, पटाखे छोड़ने से लोग दिव्यांग होते हैं और उसमें हत्याएं भी हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए गाजीपुर में क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं जो प्रश्न आपने पूछा, एक आपराधिक पक्ष है और एक लापरवाही का पक्ष है। मैं दोनों के विषय में बताना चाहूँगा कि जो आपराधिक पक्ष है, जहाँ पर तमाम लोग छुट्टियों में अपने अपने घरों में आते हैं और हमारे पास स्टेटिस्टिक्स इस प्रकार की है कि जब लोग वापस आते हैं और पुराने विवादों को लेकर उनमें मनमुटाव होता है और इस समय गांव में संख्या बल ज़्यादा होता है और इस तरह की उत्तेजना के तहत कोई कार्रवाई होती है, इसके लिए पहले से ही प्लान कर लिया गया था। जहां भी भूमि विवाद हैं, उन्हें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से राजस्व और पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर सुलझाने का प्रयास किया है, उन्हें पाबंद किया है, उन्हें आगाह किया है कि किसी भी प्रकार का शारीरिक अपराध नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में थानाध्यक्षों के अतिरिक्त छोटी छोटी पुलिस टीमें, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हैं, इस प्रकार की लगभग 130 टीमें जनपद में बनाई गई हैं, जो पूरे त्यौहार के दिन के दौरान प्रतिदिन चेकिंग का कार्य करेंगी, किसी विवाद को सुलझाने का काम करेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 100 नंबर या 112 नंबर जो आज से शुरू हो रहा है, उसके माध्यम से सूचना मिलने पर तात्कालिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी जी। जो पूर्व से चिन्हित विवाद हैं, उन पर निगरानी की जा रही है। प्रत्येक थाने में ऐसे विवादों को चिन्हित कर लिया गया है, जहां किसी उत्तेजना के तहत अगर कोई कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो उसे पूरी दृढ़ता के साथ रोका जाएगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जहाँ तक लापरवाही का प्रश्न है, आपने एक दूसरा प्रश्न किया कि दीपावली में लोग घायल होते हैं, दिव्यांग होते हैं, इसके लिए हम आप जैसे सुबुद्ध लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि वो सुरक्षित रहें, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अधिक आवाज़ के पटाखे न छुड़ाएं, और दूसरी बात कि पटाखे सुरक्षित छुड़ाए जाएं, बहुत ज़्यादा उसमें स्टंट करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ में लेके पटाखे जलाना, जब तक पटाखा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, उसका मसाला पूरी तरह से जला नहीं है, उसके पहले उसे हटाने का प्रयास करना या उससे दूसरा पटाखा जलाना, इस प्रकार की जो लापरवाहियां हैं उसके कारण ही ये दुर्घटनाएँ होती हैं, लोगों की सफोकेशन से, लोगों के चोट लग जाने से दुर्घटनाएं होती हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पूरा जिला प्रशासन यद्यपि तैयार है, हमारे हॉस्पिटल्स तैयार रहेंगे, मेडिकल टीम्स एम्बुलेंसेस तैयार रहेंगी, जिसके माध्यम से किसी आकस्मिकता की स्थिति में हम तत्काल प्रतिक्रिया कर सकेंगे। हमारी एम्बुलेंस सर्विस के अतिरिक्त फायर सर्विस डिपार्टमेंट को गियर अप कर दिया गया है, जहाँ जहाँ पटाखे बिकने की व्यवस्था है वहाँ पूरी सुरक्षा जो मानक है उसके अनुसार दुकानें लगाई गई हैं, उनके बीच गैप है, वहाँ पर आग बुझाने के जो बेसिक उपाय होते हैं बालू पानी और एक्सटिंग्विशर, उसकी 100% व्यवस्था की गई है, बार बार उन्हें सचेत किया जा रहा है, पार्किंग प्लेस को दूर रखा गया है जिससे किसी प्रकार की चिंगारी से कोई नुकसान न हो सके, वो सारी दुकानें टिन के शेड से बनी हुई हैं जिससे पटाखे छूटे हुए पटाखों की चिंगारी से भी कोई नुकसान न हो पाए, हम अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग के साथ हम सुरक्षित दीपावली मनाएंगे। कोई दुर्घटना ना हो एहतियात के तौर पर वे सारे प्रबंध किए गए हैं जिसकी वैधानिकता है। कप्तान साहब, पटाखे छोड़ने का भी कोई समय निर्धारित किया गया है? हाँ, इस वर्ष ये समय निर्धारित है रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच में ये पटाखे छोड़ाने का समय निर्धारित है। कुछ ग्रीन पटाखे भी इस समय बाजार में हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्रीन क्रैकर्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए और धीरे धीरे समाज उनकी ओर मुड़ रहा है, और जिससे प्रदूषण नहीं होगा, लोगों को आनंद उतना ही मिलेगा लेकिन प्रदूषण नहीं होगा। चलिए हम अपील करते हैं कप्तान साहब के साथ, या अभी अपील करते हैं, बिना पटाखे छोड़े भी हम दीपावली मिट्टी के दिए जला करके मना सकते हैं। पटाखों से जीव जंतुओं के सेहत पर नुकसान पहुंचता है, आपका जो डागी होगा सिमट जाएगा, गाय के पेट से बच्चे बाहर आ जाते हैं, बकरी के पेट से बच्चे आ जाएंगे, पक्षियाँ जो पेड़ों पर हैं वो ऐसे आकर के गिर जाती हैं, तो परहेज किया जाए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक अपील आपके चैनल के माध्यम से कि अधिक से अधिक लोग मिट्टी के दिए अपने घरों में जलाएं, जिससे जो गरीब कुम्हार, जो गरीब बच्चे, जो गरीब परिवार इन मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी के दियों के माध्यम से बाज़ारों में आते हैं आपके सामने, उनकी रोज़ी रोटी भी पूरी तरह से उन्हें मिल सके और हम उनका एक इनडायरेक्टली समर्थन कर सकें। कप्तान साहब, अंतिम सवाल, आज समाचार पत्रों में प्रमुखता से एक मामला है, मर्दा थाने का 28 साल पहले एक घटना हुई थी और पुलिस ने एक सेवानिवृत्त अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार किया था, और उनके लड़के जो कुलपति हैं हरकेश, प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, उन्होंने लड़ाई लड़ करके कल सश्रम कारावास हुआ है। जैसे पुलिस की छवि बदलने में आप अपने स्तर से एज ए पुलिस अधिकारी क्या प्रयास कर रहे हैं? जैसा आपने स्वयं कहा कि 28 वर्ष पहले का मामला है, लगातार पुलिस की छवि को परिवर्तित करने के लिए, सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं और लगभग 3 दशक का समय निकल गया है। आज पारदर्शिता के साथ प्रभावी पुलिसिंग करने का दौर है, जहां पर जो भी कार्रवाई हम करें वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, बिना किसी शिकायत के हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए तमाम प्रयास सरकारी स्तर पर भी किए गए हैं, जहां इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो उसको पुलिस थाने आने की आवश्यकता नहीं है, किसी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे IGRS पर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है, और उससे भी बढ़कर एक नया इनिशिएटिव मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आरंभ किया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आप अपनी केवल समस्या बताएंगे और वहां बैठा हुआ कर्मी उसे टाइप करेगा और संबंधित थाने या प्रशासनिक विभाग को भेज देगा। इसलिए अब ऐसी पारदर्शिता, ऐसी निष्पक्षता के समय पर ये कल्पना करना मुश्किल है कि किसी के साथ ऐसी कोई जाति हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी व्यक्ति, वो भी अध्यापक, सम्मानित अध्यापक के साथ कोई व्यवहार की घटना हुई जिसका न्यायालय ने, जिसके आधार पर दंड निर्धारित किया है,
ये अत्यंत खेद का भी विषय है और एक सीख का भी विषय है। मैं अपने साथी पुलिस अधिकारियों से भी अपील करूंगा कि वो किसी भी आमजन के साथ व्यवहार करते समय इस सदृश्यता को अपने हृदय में रखें, जिससे कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच ना आए। अंतिम सवाल मैं करके इस वार्ता को समाप्त करूंगा। पुलिस कप्तान को कोडवर्ड में टाइगर बोला जाता है, जैसे लोग बोलते हैं कभी कभी अदा गदा सुना जाता है। टाइगर के जिम में काम बहुत होता है, बहुत काम है, दिन रात का काम है, और मैं उससे भीग गया हूँ। इस मामले को मैं लड़ा भी हूँ, राज्य सूचना आयोग में ले गया हूँ, कई बार मामले को लिखा पढ़ी में किया हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक भेजा हूँ कि इनकी नियंत्रित ड्यूटी हो। अत्यधिक तनावग्रस्त माहौल में किस प्रकार टाइगर को गुस्सा आता है तो नियंत्रित कैसे होता है? आजकल वैसे जिले का जो कप्तान होता है उसको कमांडर कहते हैं, कमांडर का शाब्दिक अर्थ है जो कमांड करता है, इसलिए ज़्यादा लॉजिकल है। टाइगर और पैंथर ये अन्य सहयोगी अधिकारियों के लिए अधिक इस्तेमाल हो रहा है जी। पुलिस के पास बहुत सारे काम इसलिए होते हैं क्योंकि हमसे अपेक्षा बहुत अधिक है, हम सबसे ज़्यादा विजिबल हैं। कॉल करने वाला आदमी इस बात का ध्यान नहीं रखता कि ये पुलिस से संबंधित है अथवा नहीं है, चाहे नाली चौक होने का मामला हो, सीवर खुले होने का मामला हो, भैंस और गाय के सड़क पर होने का मामला हो, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस की है और हम इसका व्यवस्थित तरीके से निस्तारण करने के लिए कटिबद्ध हैं। जब बहुत से काम, बहुत सी प्राथमिकताएँ एक साथ आ जाती हैं तो किसी के लिए भी तनाव की स्थिति हो जाती है। मैं समझता हूँ जिस भी अधिकारी का, जिस व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, एक सुकून से काम करने का नज़रिया है, उसको अनावश्यक का तनाव नहीं होता। अगर किसी क्षण तनाव होता भी है तो वो वैसा ही तनाव होता है कि क्षणिक हुआ और जब हमने अपने संयमित तरीके से उस कार्य को संपादित कर दिया तो तनाव समाप्त हो गया। और इसके लिए विशेष करके पुलिस विभाग बहुत जागरूक है क्योंकि इस तनाव का कल्मिनेशन जो अंतिम परिणति होती है वो बड़ी दुखद होती है, इसलिए हम पहले से इसकी तैयारी करते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पुलिस लाइंस में नियमित ऐसे सुविचार प्रस्तुत करने वाले विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो अपनी वार्ता से तनाव को कम करते हैं, तनाव को कम करने के उपाय बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट के उपाय बताते हैं, और जो हमारे युवा हैं वो कैसे अगले 30 वर्षों तक तनाव मुक्त होकर नौकरी करें इसकी सीख देते हैं। जैसे आ जाता है तो क्या करते हैं? जैसे आ जाता मेरा है मेरा व्यक्तिगत अगर कहें जी, तो मैं समझता हूं कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, और केंद्रित मन अपने आप में इतनी बड़ी ऊर्जा होता है कि वो किसी भी प्रकार के तनाव का विनाश करता है। मेरे धारदार प्रश्न भी हुए और समुचित यथोचित उत्तर दिया डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी ने। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है, और आपका सादर अभिवादन, धन्यवाद।